कहते हैं जगन्नाथ पुरी के इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का असली दिल आज भी धड़कता है, और इस मंदिर में हर 12 सालों में भगवान के प्रतिमा को भी बदला जाता है, और इस दौरान रात के अंधेरे में भगवान के दिल को भी पुराने प्रतिमा से नए प्रतिमा में रखा जाता है। यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ का ध्वज हमेशा हवा के बहाव से विपरीत लहरता है। এখানে যখন ডান দিকে উঠছে ঠিক সেখানে দাঁড়িয়েই মন্দিরের পতাকা বাঁ দিকে উঠছে। इस मंदिर की और ना जाने कितनी रहस्यमयी बातें हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी। नमस्ते, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं द डिवाइन ड्यूटी का यह वीडियो, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ पुरी के रहस्यमयी मंदिर के बारे में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां धर्म और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें लोग विश्व का नाथ भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है और यह 4 दिशाओं में फैला हुआ है। मंदिर का मुख्य ढांचा और उसकी सजावट अद्भुत है। इसके गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि ये लकड़ी की बनाई जाती हैं और हर 12 से 19 वर्षों में इनकी पुनर्स्थापना की जाती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है यहाँ की रथ यात्रा। To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भगवान की इस यात्रा को देखकर वह धन्य हो जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह माना जाता है कि इस यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। इस यात्रा के बारे में कई पुराणों में उल्लेख मिलता है, जो इसे धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। This is a once in a lifetime opportunity. The English word juggernaut, which means immense, massive force of nature, they use it for blockbuster films. It came from this festival, Jagannath Rath Yatra. I want to chant Jai Jagannath, to give him some pleasure, some happiness, some anand, to see his bhaktas. That every Indian that watches this take seriously your culture and your roots, because this is what India really is all about. जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्यौहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदमन, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उनकी पत्नी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदमन को पुरी के समुद्र के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा मिला था, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनके सपने में आकर बताया था। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने उस मूर्ति को आकार दिया, लेकिन मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने एक शर्त रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस मूर्ति को एक बंद कमरे में बनाऊंगा, और अगर कोई इस मूर्ति को बनाते हुए मुझे देख लेता है तो मैं उसे अधूरा छोड़कर ही चला जाऊंगा। उसके बाद रानी गुंडीचा ने मूर्ति बनने से पहले ही उस दरवाजे को खोल दिया, जिसके वजह से भगवान विश्वकर्मा उस मूर्ति को अधूरा छोड़कर ही चले गए, जिसके वजह से आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियाँ उसी आकार में है। यात्रा की शुरुआत से पहले तीनों रथों को बनाया जाता है, और तीनों रथों का अलग अलग नाम और महत्व है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, यह 45.6 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र का रथ ताल ध्वज, यह 44.2 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन, यह 43.5 फीट ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा के दिन लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। भगवान को मंदिर से निकालकर रथ पर बैठाया जाता है और फिर यात्रा शुरू होती है। भक्तजन रथों को खींचते हैं और भजन कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है, जिसमें भगवान के प्रति भक्त का असीम श्रद्धा और भक्ति दिखती है। जो लोग इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए यह एक अद्भुत अनुभव होता है। यात्रा के दौरान लोगों की भावनाएं, उनकी भक्ति
और उनके आंसू हमें यह एहसास कराते हैं कि भगवान हर किसी के दिल में बसते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, भगवान के प्रति हमारी आस्था हमेशा सही रास्ते पर ले जाएंगी। जगन्नाथ यात्रा हिंदुओं के लिए एक विशेष धार्मिक उत्सव है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक प्रतीक है। यह यात्रा न केवल भगवान की भक्ति का अवसर है बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों को और आदर्शों का भी बोध कराता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए द डिवाइन ड्यूटी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।